हेलो दोस्तों आधार स्टडी में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों रीट एसएसटी को लेकर अपन सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद वैदिक संस्कृति का प्रारंभ अपन कर चुके थे दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन वैदिक संस्कृति के बारे में धार्मिक और सामाजिक जनजीवन के बारे में अध्ययन करेंगे पिछले कुल तीन वीडियो में दो वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता के थे और एक वीडियो वैदिक संस्कृति के बारे में जिसमें अपन ने पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो पार्ट में डिवाइड किया था पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेदिक संस्कृति दो पार्टों में डिवाइड है जो पहला पार्ट है उत्तर वेदिक काल उसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी और उसके बाद पूर्व वेदिक काल उसमें बाकी तीन वेद यजुर्वेद अथर्वेद और सोमवेद इन तीनों की रचना हुई थी आज के इस वीडियो में अपन धार्मिक और सामाजिक जनजीवन के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आता है यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वैदिक संस्कृति में धार्मिक और सामाजिक जनजीवन के बारे में धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन के बारे में इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे आगे आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें अपन साहित्य के बारे में भी अध्ययन करेंगे

धार्मिक जनजीवन कैसा था लोग किस प्रकार देवताओं की पूजा करते थे किस प्रकार उनसे संपर्क बनाते थे और कैसे उपासना करते थे क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इसलिए अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आपको पढ़ा हुआ ज्ञान लंबे समय तक टिक पाएगा तो दोस्तों देखते हैं उस समय लगभग आज से चार हजार साल पहले लोग किस प्रकार देवताओं की उपासना करते थे और किस किस देवताओं को वो मानते थे तो धार्मिक जीवन के बारे में सबसे पहले दिया है कि ऋग्वेद में जो उपासना थी वो अवसरवादी पर आधारित थी अब बात करने बात ये है कि अवसरवादी क्या होता है? दोस्तों अवसरवादी एकेश्वरवाद का मतलब है कि लोग वहां के जो लोग थे वो देवताओं को अवसर देते थे एक सर्वोच्च देवता बनाने के लिए अर्थात वो किसी एक देवताओं को सर्वोच्च बनाते थे और उसी की पूजा करते थे फिर कुछ समय बाद किसी दूसरे देवता को सर्वोच्च बनाते थे और उसी की पूजा करते थे तो यह कहलाता है अवसरवादी एक नाम और दिया गया है जो भी आपको ध्यान में रखना है इसको बोलते हैं ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या होता है अवसरवादी एकेश्वरवाद अर्थात किसी एक देवता को सर्वोच्च मानकर उसकी पूजा करना अवसरवादी एक जो उस समय के लोग करते थे और इसी को में भी बोला जाता है इसके बाद आगे बात करते हैं जो ऐसे नैतिक नियम थे जो नित्य और अनादि है उनको रित रित शब्द से उनको संबोधित किया गया है ऋत का मतलब जिनको टाला नहीं जा सकता ऐसे नियम जो सत्य है जो अनादि है जिनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है चाहे वो देवता हो चाहे आम जनता हो सभी के लिए ऐसे नियम बने हुए थे जिनका पालन करना अनिवार्य था और उनको रित कहा गया ये रित जो था वो कर्म के सिद्धांत पर आधारित था कर्म का सिद्धांत अर्थात जिस प्रकार की चीज आप बोते हो उसी प्रकार का फल आपको मिलता है अर्थात जिस प्रकार का कार्य आप करोगे उसी के अनुसार आपको फल की प्राप्ति होगी जैसे आप अगर रीत एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप मन लगाकर पढ़ते हो तो आपको उसी के अनुसार फल मिलेगा एक दिन आप भी शिक्षक बन जाओगे तो उस समय के जो नैतिक नियम थे वो रित पर आधारित थे अर्थात कर्म प्रधान थे कर्म को वो महत्व देते थे इसके बाद आगे बात करते हैं वसुधेव कुटुंबकम ये जो विचार आपने काफी जगह पढ़ा होगा सुना होगा वसुधेव कुटुंबकम अर्थात पूरा विश्व अपना एक परिवार है एक कुटुंब है ये जो भावना थी ये विचार वेदिक संस्कृति की ही देन है अनेकेश्वरवाद अनेकेश्वरवाद होता है अर्थात अपन अनेक देवताओं की पूजा करते हैं उस समय अनेक देवताओं को माना जाता था ऐसे कहते हैं कि तैतीस कोटि देवता थे अर्थात तैतीस प्रकार के अलग अलग देवता माने जाते हैं तो अनेकेश्वरवाद में कौन कौन से देवताओं की पूजा की जाती थी उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी के स्थानीय देवता पृथ्वी के स्थानीय देवता कौन कौन से थे अग्नि अग्नि जो देवता थे उनको सबसे अधिक पवित्र माना जाता था और ऋग्वेद में लगभग 200 मंत्रों से ऋग्वेद में 200 मंत्रों से अग्नि को संबोधित किया गया था ऋग्वेद में सबसे अधिक जो मंत्र थे वो इंद्र भगवान के थे इंद्र जो देवताओं के राजा माने जाते हैं और वर्षा के देवता माने गए थे उनको 250 मंत्रों से संबोधित किया गया था और उनके बाद अग्नि को सबसे ज्यादा मंत्रों से संबोधित किया गया था 200 मंत्रों से अग्नि को संबोधित किया गया था और अग्नि जो थी वो जो उस समय के ऋषि मुनि थे वो यज्ञ करते थे और अपनी जो आहुति देते थे वो अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचाते थे तो ये माना जाता था देवताओं से संपर्क साधने के लिए जो माध्यम है वो अग्नि को माना जाता था और ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है प्रथम मंडल और उसका जो प्रथम सूक्त है वो अग्नि को समर्पित है ऋग्वेद का प्रथम मंडल और प्रथम सूक्त ये अग्नि को समर्पित माना गया है इसके बाद आगे बात करते हैं सोम जो सोम ये एक पेय पदार्थ था और इसकी ऋग्वेद में नवे मंडल में इसकी चर्चा की गई है सोम के बारे में अपन आगे भी थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं सोम जो था वो नवे मंडल में इसकी चर्चा की गई थी इसके बाद देखते हैं बृहस्पति बृहस्पति जो थे वो मंत्रों और प्रार्थना के देवता थे बृहस्पति को मंत्रों व प्रार्थना का देवता माना जाता था इसके बाद सरस्वती सरस्वती मानव की बुद्धि की देवी को कहते थे सरस्वती को बुद्धि की देवी कहा गया था उस समय बुद्धि की बुद्धि की देवी सरस्वती को बुद्धि की देवी से संबोधित किया गया था इसके बाद अरण्यक अरण्यक अर्थात वन की देवी अरण्यक वन की देवी ये ज, जो भी थे वो पृथ्वी के स्थानीय देवता थे दोस्तों आगे बात करते हैं आकाश के स्थानीय देवताओं के अर्थात आकाश में कौन कौन से देवता पूजे जाते थे तो सबसे पहले आकाश के देवताओं में जो जिन देवताओं को पूजा जाता था वो है आकाश आकाश को ऋग्वेद में ध्यो के नाव से भी संबोधित किया गया था और जो आर्य थे वो आकाश और पृथ्वी की सम्मिलित रूप से उपासना करते थे सबसे पहले आर्यों ने आकाश को और पृथ्वी को ही देवता माना था और उन्होंने सम्मिलित रूप से पृथ्वी को और आकाश को सम्मिलित रूप से इस नाव से संबोधित किया रोदसी नाव से उन्होंने संबोधित किया था आकाश को और पृथ्वी को वो माता पिता मानते थे इसके अलावा आकाश के स्थानीय देवताओं के बारे में आगे बात करते हैं वरुण वरुण जो थे वो सूर्य के निर्माता सूर्य के निर्माता वरुण को माना गया था इसके अलावा वरुण को पुण्य माना गया धर्म के पति माना गया जो अभी मैंने ऋत की चर्चा की रित अर्थात जो नियम सभी के लिए फॉलो करने आवश्यक है तो वरुण को ऋत का पति अर्थात ऋत का संरक्षक करने वाला या रित गोपा भी वरुण को कहा गया था वरुण जो को वरुण को असुर भी कहा गया जो एक ईरानी देवता थे जिनका नाम था अहुरम जदा एक ईरानी देवता थे उनसे भी संबंधित वरुण को माना जाता है इसके अलावा जो वैष्णव धर्म का प्राचीनतम आधार है वो वरुण के शास्त्रों के अकॉर्डिंग माना जाता है और वरुण को जल के देवता के रूप में भी पूजा जाता था इसके बाद आगे बात करते हैं सूर्य सूर्य को अनेक रूपों में पूजा जाता था अनेक रूपों में ऋग्वेद में सूर्य के बारे में चर्चा की गई है सूर्य को ऊषा की देवी अर्थात उषा की प्रभात की देवी ऊर्जा की देवी भी कहा जाता था और इसके अलावा सविता अर्थात उत्पादक सूर्य की उत्पादक सविता को कहा जाता था और प्रेरक शक्ति का भी प्रतीक माना जाता था इसके अलावा अश्विनी अर्थात देवताओं के वेद्य देवताओं के वेद्य अश्विनी को माना जाता था इसके अलावा आगे बात करते हैं अपन अंतरिक्ष के देवता अंतरिक्ष में कौन कौन से देवताओं को उस समय पूजा जाता था तो अंतरिक्ष के देवताओं में सबसे जो शक्तिशाली देवता थे वो थे इंद्र इंद्र को देवताओं का राजा उस समय माना जाता था और इंद्र को वर्षा के देवता भी माना जाता था वज्र नामक इनके हाथ में एक हथियार रहता था और जो इंद्र देवता थे ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सुक्त सबसे ज्यादा ऋचाय जिनके बारे में लिखी गई है वो इंद्र थे कितनी ऋचाए लिखी गई है 250 सौ पचास सूक्त दो जो इंद्र को समर्पित किए गए हैं और उसके बाद अग्नि को 200 सूक्तों से समर्पित किया गया है तो ये अंतरिक्ष के देवता इंद्र जो थे वो देवताओं के राजा माने जाते थे इसके अलावा भारतीय जीएस इंद्र को भारतीय जीएस भी कहा गया है ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है पुरंदर पुरंदर जो भवनों को तोड़ने वाला जो होता था उसको पुरंदर कहा जाता था यह भी एक इंद्र का ही रूप माना जाता था इंद्र का ही एक नाम था पुरंदर आगे बात करते हैं मरुत मरुत अर्थात आंधी के या हवा के देवता आंधी या हवा के देवता को मरुत कहा जाता था इसके अलावा रुद्र रुद्र जो ऋग्वेद में नीलग्रीव के नाम से भी इनको जाना जाता था रुद्र जो थे वो शिव के पूर्व के रूप थे रुद्र ऐसे देवता के रूप में चित्रित किया गया है ज, जो चमड़े से बने हुए कपड़े पहनते थे और जिनकी जटा काफी लंबी लंबी थी तो रुद्र को शिव शिव जी का पूर्व रूप भी ऋग्वेद में माना गया है तो दोस्तों ये धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी थी अब सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे और धार्मिक जीवन के बारे में और अपने को पढ़ने मिलेगा जब अपन वेदों के बारे में पढ़ेंगे आगे बात करते हैं सामाजिक जीवन सामाजिक जीवन में जो परिवार थे वो संयुक्त और सतात्मक परिवार थे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी जो परिवार थे वो मातृ थे अर्थात वहां पर माता की सत्ता थी अर्थात आज जैसे पितृसतात्मक समाज है उस समय मात्र सतात्मक समाज हुआ करता था किस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय लेकिन जब वैदिक काल आया वैदिक संस्कृति आई तब परिवार संयुक्त और पितृ सतात्मक होने लगे थे इसके बाद क्षत्रिय जो थे उनको जनस्य शब्द से उनको प्रयोग किया गया संबोधित किया गया क्षत्रिय को जनस्य शब्द से संबोधित किया जाता था वर्ण जो शब्द है वो सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है और दो तरह के वर्ण माने जाते थे आर्य जो श्वेत वर्ण के थे और आर्य के अलावा जो भी थे वो श्याम वर्ण के माने जाते थे तो दो वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है ऋग्वेद में हमें तीन वर्गों का भी उल्लेख मिलता है तीन वर्ग कौन कौन से पहला वर्ग हो गया ब्राह्मण दूसरे क्षेत्रीय और तीसरा वैश्य जिसको विष या जन भी कहा जाता था और जो चौथा वर्ण था शुद्ध वो ऋग्वेद के अलावा जो तीन उत्तर वेदिक काल में शुद्र जो वर्ण था उसके बारे में देखने को मिलता है जो पूर्व वैदिक काल है उसमें अपने को तीन वर्गों के बारे में देखने को मिलता है जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैसे विश या जन उनको कहा जाता था इसके अलावा कर्म के आधार पर भी वैदिक काल में वर्गों में डिवाइड किया गया था जो ब्राह्मण होता था वो पुरोहित होता था और जो क्षत्रिय होते थे वो योद्धा होते थे युद्ध करने के लिए होते थे और वैसे जो होते थे वो खेती का कार्य करते थे आगे बात करते हैं अपन ऐसी कन्याएं जो आजीवन विवाह नहीं करती थी उनको अमाजू कहा गया अमाजू उनको कहा गया था यह नाम काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसी कन्याएं जो विवाह नहीं करती थी उनको अमाजू कहा गया था इसके अलावा ऋग्वेदिक काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था जो घुघट प्रथा आज के समय में चलती है उस समय ऋग्वेदिक काल में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी इसके अलावा उस समय ना तो सती प्रथा थी और ना ही बाल विवाह उस समय होते थे ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो काफी अच्छी मानी जाती थी और कुछ स्त्रियां काफी विदुषी महिलाएं भी उस समय थी जैसे, जैसे लोपामुद्रा विस्वरा घोसा इत्यादि जो विदुषी महिलाएं उस समय विद्यमान थी तो ऋग्वेदिक काल में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी बाल विवाह भी नहीं होते थे सती प्रथा भी प्रचलित नहीं थी दीर्घता ऋषि इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है दीर्घप्ता ऋषि ने विवाह के नियम जारी किए और समाज को एक व्यवस्थित रूप दिया था तो सबसे पहले विवाह के नियम जारी करने वाले जो ऋषि थे उनका नाम ध्यान में रखना है दीर्घप्ता ऋषि ने विवाह के नियम जारी किए थे और उस समय जो विवाह की आयु थी वो सोलह से लेकर सत्रह वर्ष विवाह की आयु मानी जाती थी लगभग सोलह सत्रह वर्ष की आयु में विवाह कर दिया जाता था लेकिन इसको उस समय बाल विवाह नहीं माना जाता था आगे बात करते हैं सोम रस आर्यो का प्रमुख पेय पदार्थ था सोम रस जिसके बारे में पहले भी चर्चा की थी नवे मंडल में नवे मंडल में सोम रस के बारे में चर्चा की गई थी जो एक पेय पदार्थ था जिसको आज शराब के रूप में भी अपन जानते हैं उस समय जो पेय पदार्थ था वो सोमरस माना जाता था विवाह की जो आयु वैदिक काल में मैंने बताई 16 से लेकर 17 वर्ष की आयु वैदिक काल में विवाह की आयु मानी जाती थी इसके अलावा कुछ वस्त्र थे जैसे वस्त्रों को नीवी अधो वस्त्र थे उनको नीवी कहा गया परिधान जो थे उनको वास कहा गया अर्थात जो शरीर पर धारण करने वाले वस्त्र थे उनको वास कहा जाता था जो ऊपरी वस्त्र होते थे उनको अधिवास कहा जाता था ऊपरी वस्त्रों को अधिवास कहा जाता था तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है अपन ने आज के वीडियो में धार्मिक जनजीवन और सामाजिक जनजीवन के बारे में अध्ययन किया है आगे आने वाले वीडियो में अपन उत्तर वैदिक काल में जनजीवन में किस प्रकार परिवर्तन आया उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे दोस्तों अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद